इसकी शुरुआत होती है एक बाइट से, फिर 100 बाइट्स, और फिर देखते ही देखते 1000 बाइट्स। अब 10 लाख मच्छरों का एक झुंड आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपका खून उनका फेवरेट स्नैक क्यों है? अगर ये बार बार आपको काटते रहें तो आपकी बॉडी का क्या होगा? और क्या ये आपका खून चूस चूस कर पूरी तरह से सुखा देंगे? आप देख रहे हैं व्हाट इफ हिंदी, और ये है क्या हो अगर 10 लाख मच्छर आपको काट लें। अगर आप कभी लंबी घास वाले एरियाज में या रुके हुए पानी के करीब गए हैं तो आपने मच्छरों की लगातार बजिंग और बाइटिंग को एक्सपीरियंस किया होगा, पर आप नहीं जानते होंगे कि इनकी 3500 स्पीशीज हैं, और उनमें से केवल कुछ 100 स्पीशीज इंसानी खून पीती हैं। केवल फीमेल मच्छर काटते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अंडे दे पाने के लिए टेस्टी खून की जरूरत होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मच्छरों के भी नखरे होते हैं। ये आदमियों, प्रेग्नेंट औरतों और ओवरवेट लोगों को प्रिफर करते हैं, लेकिन शायद एक खास तरह के ब्लड टाइप के लोग इनका फेवरेट शिकार होते हैं। टाइप ओ ब्लड के लोगों पर मच्छरों के लैंड होने के चांसेस 2 गुने हैं। तो अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, मुबारक हो, आप इन 10 लाख छोटे छोटे कीड़ों का डिनर बनने वाले हैं। आज रात जब पहला मच्छर लैंड हो और आपको काटे तो शायद आपको कुछ भी महसूस ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका डंक बहुत तेज और पतला होता है, और कुछ ना किए जाने पर वो तब तक खून चूसेंगे जब तक इनका पेट ना भर जाए। एग्जाम्पल के तौर पर एक एशियन टाइगर मस्कीटो लगभग 0.005 मिलीलीटर खून पी सकता है। ये सरसों के एक दाने जितने वॉल्यूम के बराबर होगा। अब आपको काटने की जगह के आसपास खुजली देने वाली रेड स्वेलिंग महसूस होगी, जिसे स्कीटर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ये मच्छर के थूक में मौजूद एंटी कोआगुलेंट को लेकर आपकी बॉडी का एलर्जिक रिस्पांस है। इससे खून क्लॉट होने से रुकता है ताकि मच्छर आखिरी बूंद तक खून को पी सके। अगर आप अनलकी होंगे तो आपको लीजन्स, चोट जैसे निशान या गले में सूजन जैसे दूसरे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। कुछ बाइट सुनने में इतने बुरे नहीं लगते, पर 90,000 बाइट्स के बारे में क्या ख्याल है? अब आप लगभग 0.45 लीटर खून गंवा चुके होंगे। अगर आप अक्सर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको इसकी आदत होगी। हालांकि आपको सर दर्द हो रहा होगा, चक्कर और उल्टी आ रही होगी, और आप कमजोर महसूस कर रहे होंगे। आपके पास लगभग 1.75 स्क्वायर मीटर स्किन होती है, और 90,000 मच्छरों की बाइट्स को झेलना बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपकी बॉडी के हर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में आपको 5 बार से ज्यादा काटा जाएगा। इसमें आपके काफी नाजुक हिस्से भी शामिल होंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और आपका बुरा सपना यहाँ खत्म नहीं होगा। अगर 2,20,000 मच्छर आपको काटते हैं तो हर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में आपको लगभग 13 बार काटा जाएगा। आप 20% खून गंवा देंगे, और अब आपकी बॉडी एक हाइपोवोलीमिक शॉक में चली जाएगी। आपके दिल को खून सर्कुलेट करने के लिए सही प्रेशर न मिलने से आपको मेजर ऑर्गन फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। आप बीमार दिखने वाले, कंफ्यूज्ड और कमजोर हो जाएंगे। आप कोमा में भी जा सकते हैं। अब अगर 10 लाख मच्छर आपको काट लें तो आपकी बॉडी का पूरा 5.5 लीटर खून ड्रेन हो जाएगा। हर स्क्वायर सेंटीमीटर में आपको 62 से ज्यादा बार काटा जाएगा। इसका मतलब आप पूरी तरह से खूना खून हो चुके होंगे और अपने खात्मे के पास पहुंच जाएंगे। तो सुनिए, अगर आपको अपनी तरफ 10 लाख मच्छर आते दिखें तो आपको भाग लेना चाहिए, और 10 लाख की आबादी में दूसरा कोई कीड़ा आते दिखे तो